प्यारे गणित विभाग के बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती की अनेक शुभकामनाएं। चल पड़े दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, मुड़ गई जहां भी एक दृष्टि, मुड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। ये आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये दो पंक्तियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उनके एक आह्वान पर, एक आवाज पर सारा मुल्क चल पड़ता था उनके पीछे पीछे और अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाता था। ऐसी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व में? ऐसा क्या वो लोगों से कहते थे कि लोग उनकी बातों को सुनने के लिए विवश हो जाते थे? वो था उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण, जिसकी वजह से सभी जन समुदाय उनका अनुसरण करता था, उनको सम्मान करता था। तो आज हम बात करते हैं गांधी जी द्वारा जीवन में, समाज में अपनाए जाने वाले मार्ग के बारे में, जिस मार्ग पे चलकर आप समाज में एकता सौहार्द स्थापित कर सकते हैं। द गांधीयन पाथ। गांधी जीज बेसिक आइडियाज एंड डायरेक्शन गिवन बाय हिम टू द नेशनल मूवमेंट मे बी स्टडीड अंडर फोर मेन हेड्स। चार मुख्य मार्ग गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस देश की जनता को, इस राष्ट्र के लोगों को बताए थे, सुझाए थे और खुद भी उनका निष्ठापूर्वक पालन किया था, जिसके चलते बिना तीर, बिना तलवार, बिना बंदूक के उन्होंने 200 साल की से भी अधिक की अंग्रेजों की गुलामी से इस राष्ट्र को मुक्ति दिलाई थी, इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई थी। वो चार मार्ग थे, सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी को अपनाना और सामाजिक न्याय। ये चार ऐसे मजबूत स्तंभ थे जिन पर हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आजादी आधारित हुई। पहला स्तंभ था सत्याग्रह। सत्याग्रह से बच्चों आप क्या समझते हो? सत्य से किसी, सत्य को आग्रह पूर्वक, सत्य को आग्रह पूर्वक लोगों से पालन करवाना। द हार्डेस्ट फाइबर मस्ट मेल्ट इन द फायर ऑफ लव। इफ इट डज नॉट मेल्ट, इट इज बिकॉज द फाइबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। उनका ये मानना था कि अगर हम अपनी बात को, सही बात को आग्रह पूर्वक रखेंगे, ये मार्ग इतना आसान नहीं होता है, ये मार्ग इतना आसान नहीं होता है। सत्य का आग्रह पूर्वक किसी दूसरे से पालन करवाना जो कि उस पर यकीन नहीं कर रहा है, अत्यंत दुष्कर कार्य है। पर महात्मा गांधी ने संयम से इस चीज को अंग्रेजों के द्वारा पालन करवाया। अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ा, समझना पड़ा और उनको, उनकी बातों को महत्व देना पड़ा। ऐसा बल होता है सत्याग्रह। ये देखिए, ये गांधी जी की दांडी मार्च के दौरान की तस्वीर है। उसके बाद सत्याग्रह के चार मुख्य तकनीकें हैं। एक है उपवास, जिससे कि आप सभी परिचित हैं। दूसरी है असहयोग, गलत कार्य करने वाले से असहयोग। गलत कार्य करने वाला लड़ाई झगड़े से कभी नहीं मानेगा। आप जब उसका सामाजिक असहयोग करोगे, सामाजिक बहिष्कार करोगे, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और पूरा समाज जब किसी गलत चीज का बहिष्कार करता है तो समय जरूर लगता है, लेकिन ये सोच
एक आती है गलत कार्य करने वाले के मन में भी कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपने को कैसे सुधारूं। और एक आखिरी है, सिविल डिसोबीडियंस ऑफ स्टेट लॉज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। ये तो देश की आजादी के लिए किया गया सत्याग्रह था कि जो नियम तुमने बनाए हैं, जो नियम अंग्रेजों ने बनाए हैं, जो समाज के विरुद्ध हैं, जो देश के विरुद्ध हैं, उन नियमों का उल्लंघन किया जाए शांतिपूर्वक। उन नियमों का सारी प्रजा ने, सारे देश ने गांधी जी के नेतृत्व में उल्लंघन किया, जिसके बहुत सारे उनको कष्ट भी सहने पड़े, लाठियां खानी पड़ी, पर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपने सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया कि जो वो इस देश की जनता के साथ कर रहे हैं, जो व्यवहार उनका है, वो सही नहीं है। उसके बाद दूसरा स्तंभ था गांधी जी का नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ एंड इट इज ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड। नॉन वायलेंस या अहिंसा जिसको हम कहते हैं, उसको कभी भी आप कायरता ना समझें। कायरता और अहिंसा में बहुत अंतर है। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हैं। जो व्यक्ति कायर होगा वो कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग में बहुत कष्ट है। हिंसा के द्वारा तो आपको किसी ने मारा, आपने उसको मार दिया, कोई सल्यूशन इस बात का निकलता नहीं है। आपको किसी ने एक बात कही, आपने उसको चार बातें कह दी। और हिंसा खाली हाथ पैर या अस्त्रों से ही नहीं होता, शब्दों से भी हिंसा होती है। तो हिंसा से आप किसी का भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं, उसके तरीके को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप अहिंसा के द्वारा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वो आपको प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, चाहे अस्त्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा, चाहे नियमों द्वारा, तब भी आप अहिंसा के द्वारा उसको अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो स्वेच्छा से अपनी सोच बदलता है। वो जब आपके विचारों से सहमत होता है तब अपनी सोच बदलता है, और ये जो होती है ये परिवर्तन स्थायी होता है। और इसी सोच के तहत गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। ऐसे महान विचार थे हमारे राष्ट्रपिता बापू के। ये देखिए, ये बापू के सत्याग्रह की एक तस्वीर है, नॉन वायलेंस की एक तस्वीर है। इसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था स्तंभ, वो है स्वदेशी। आज इस कोरोना युग में भी इस स्वदेशी शब्द का बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। स्वदेशी का मतलब क्या है कि हम अपने देशवासियों द्वारा अपने ही देश में निर्मित चीजों का अधिक से अधिक, गांधी जी तो 100% स्वदेशी कहते थे, पर अब आज की ग्लोबल इकोनॉमी में 100% स्वदेशी तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके हमें स्वदेशी का समर्थन करना चाहिए। आज जब हमारे देश के तमाम छोटे बड़े बिजनेस करने वाले लोग जो हैं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उस समय हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग अधिका अधिक करें। एक छोटी सी नज़ीर मैं देना चाहूँगी। आपके घर के सामने अगर किसी जनरल मर्चेंट की शॉप है, तो आप इजी डे से, स्पेंसर से, इन सब जगहों से सामान मंगवाने की बजाय ये एक इरादा करें कि आप उसकी ही दुकान से सामान खरीदेंगे। सामान सेम होगा, हो सकता रेट में भी थोड़ा बहुत कमी होगा, और उसका बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो ये है हमारा स्वदेशी। हाथ के बुने कपड़े, खादी को भी गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया था, लेकिन हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के बजाय, रेडीमेड जो हम जा करके वेस्ट साइड से, ग्लोबस से, इन सब से ले लेते हैं, इसके बजाय अगर हम कपड़ा लेकर के दर्जी से सिलवाएं तो उसकी भी आमदनी होगी। हमें अब आज की तारीख में इस दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत आवश्यक हो गया है। ये देखिए, गांधी जी चरखा काटते हुए स्वयं करते थे,
पहले स्वयं करते थे, फिर दूसरों से कहते थे कि तुम भी ऐसा करो। और आखिरी स्तंभ जो था सामाजिक न्याय, जिसकी किसी भी समाज के फलने फूलने के लिए परम आवश्यकता है। जब तक सबको इस समाज में एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, जब तक सारे धर्म जाति के लोग आपसी सद्भाव से नहीं रहेंगे, तब तक उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। आज के समय में भी गांधी जी की एक एक बात प्रासंगिक है। मुझे उनका एक भजन की सिर्फ एक पंक्ति याद आ रही है, जो सभी चीजों को समझाने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे कि वो ये समझे कि जो ईश्वर है वही अल्लाह है, वही जीसस है, वही नानक। हर व्यक्ति उसी एक परम पिता परमेश्वर की कृति है, तो उसका सम्मान करिए, तभी आपका समाज ऊपर उठेगा। ये देखिए, ये भी सत्याग्रह, नॉन वॉयलेंस, सामाजिक एकता, सबका प्रतीक, ये एक आपको तस्वीर दिख रही है। अब बच्चों, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी गांधी जी के ऊपर, छोटा सा वीडियो किसी ने बनाया है, इसको आप अवश्य देखें। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत उत्साह से, बहुत शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखा, और मेरा ये विचार है कि आप लोग जीवन में इसमें बताई गई बातों को आत्मसात करने की पूरी कोशिश करेंगे। अनेक धन्यवाद।